देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए फायदे में होगा प्रायिकता ओके बेटा थैंक यू बेटा हाँ तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में फायदेमंद रहेगा तो देखिए सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट है आपके पास में वो रहेगा प्रतिबंधी प्रायिकता का पी ए कंडीशनल बी मतलब कि यदि B हो चुका है तो A के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी ठीक है ना मतलब ऊपर P A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B दोनों के होने के चांस और नीचे B के होने की प्रायिकता। इसको और ज़्यादा हल करते हैं तो क्या आ जाता है ये ये आ जाता है n a इंटरसेक्शन b अपॉन n s डिवाइडेड बाई एन बी अपॉन एन एस एन एस से एन एस कैंसिल कर दो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो आता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी ये होता है पहला सूत्र ठीक है ना ए इंटरसेक्शन बी का दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट तो पहली चीज़ तो आप इसको याद कर ही लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा आप याद करो कि इसमें एक कंसेप्ट आता है स्वतंत्र घटना का स्वतंत्र घटना तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या रूल होता है स्वतंत्र घटना के लिए रूल होता है कि पी ए और बी के होने की संभावना जो होती है प्रॉबिलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी ओके तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी क्लियर है और दूसरा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार यस दूसरी स्वतंत्र घटना के लिए जो कंडीशन बनती है ये बना करती है तीसरी चीज याद कर लो जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है परस्पर अपवर्जी घटना परस्पर अपवर्जी घटना तो परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है ऐसी घटना जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन ना हो ऐसी घटना जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन ना हो उस घटना को हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना ये देखो ये ए है ये बी है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या है फाइ है तो प्रायिकता क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की बराबर जीरो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं होगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा किसका ए यूनियन बी का ए यूनियन बी मतलब ए या बी दोने के होने की प्रायिकता क्या होता है फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा पी ए ये होगा पी बी और ये कितना हो जाएगा जीरो तो आंसर कितना हो गया दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ओके ये हो गया अपने पास में पी ए प्लस पी बी डन क्लियर है यस yes. तो तीन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए नंबर वन मैंने आपको बताई कौन सी प्रतिबंधी प्रयक्ता मैंने बताई आपको एक तो कॉन्सेप्ट आप ये नोट कर लीजिए इससे एक क्वेश्चन तो हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको मिलेगा ओके पक्के से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्रतिबंधी इससे आपको प्रतिबंधी प्रयक्ता से यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दूसरा स्वतंत्र घटना ठीक है ना तीसरा परस्पर अपवर्जी घटना ठीक है तीसरा परस्पर अपवर्जी घटना और चौथा जो केस बनता है जो एक क्वेश्चन आपको बड़ा वाला मिलेगा वो आएगा आपका बेस थ्योरम से बेस का प्रमेय जी तो बेस के प्रमेय से एक क्वेश्चन आना पक्का है अब वो कैसा क्वेश्चन आता है समझो बच्चों इस चीज को थोड़ा मैं डीपली समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है बच्चों देख लीजिए मान लो आपके पास में दो बैग हैं बैग वन बैग टू ओके बैग वन में कुछ गेंदें येलो हैं और कुछ गेंदे पिंक हैं यस, yes. इसी तरीके से बैग टू में कुछ गेंदें येलो हैं और कुछ गेंदें पिंक हैं यस yes. ठीक है ये मैंने डायग्राम की फॉर्म में बना दिया है अब मैं आपसे पूछूं कि यदि दोनों थैलों में से यदि यदरथ छाया एक गेंद गुलाबी निकाली जाए तो इसके बैग टू या थैला टू में से निकाले जाने की प्रयक्ता क्या है चलो समझो देखिए यहाँ पे क्या सीन दिया गया है कि एक गेंद गुलाबी निकाली गई है मतलब बेस में क्या है पिंक बॉल ओके मतलब पहले जो घटना हुई है वो कौन सी है गुलाबी गेंद निकाले जाने की अगर गेंद गुलाबी निकाली गई है तो बताइए क्या प्रायिकता होगी कि ये बैग टू में से है मतलब गेंद से बैग की पहचान कराई जा रही है तो जब जब उल्टा कुछ कार्यक्रम हो तो समझ जाना कि बेस थ्योरम लगेगी तो यहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी बेस थ्योरम क्या कारण है क्योंकि गेंद से बैग का पता लगाया जा रहा है ठीक है ना अब इसको हम करते हैं कैसे करते हैं देखिए है। सबसे पहले इसमें हल करते हैं इसको देखो कैसे करेंगे स yes. तो so, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बैग वन चुनने की प्रायिकता कितनी है एक बटे दो और बैग टू चुनने की प्रायिकता कितनी है वो भी है एक बटे दो क्योंकि दोनों बैगों के चुने जाने की प्रायिकता बराबर है पहले बैग के भी चुने जाने की प्रायिकता एक बटे दो है और दूसरे बैग के भी चुने जाने की प्रायिकता कितनी है एक बटे दो ठीक है अब यदि हम बैग वन में से गुलाबी बॉल पी क्या है पिंक बॉल चुने जाने की प्रायिकता बैग वन में से तो बैग वन में से गुलाबी बॉल चुने जाने की प्रयक्ता कैसे निकलेगी देखो बैग वन में टोटल बॉल कितनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है ना तो बैग वन में से हमें गुलाबी बॉल निकालनी है एलेवन सी वन कुल घटना ग्यारह में से एक गेंद का चुनाव और पिंक बॉल कितनी है देखो एक दो तीन चार पांच छ सात वांछित घटना सेवन सी वन मतलब कितना आ गया सेवन अपॉन एलेवन बोलो क्लियर है कि नहीं है प्रॉबेबिलिटी पिंक बॉल ऑब्लिक बैक टू बैक टू में से पिंक बॉल निकाले जाने की प्रायिकता तो बैग टू में टोटल पिंक बॉल कितनी है तीन तो थ्री सी वन आउट ऑफ टोटल कितनी है एक दो तीन चार पांच आठ एट सी वन तो कितना बन गया ये ये बन गया थ्री अपॉन एट ठीक है ये बन गया थ्री अपॉन एट अब देखो अब लगाना है बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो समझो बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे लगता है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर खींची हुई बॉल पिंक है तो इसके बैग टू में से होने की प्रायिकता क्या होगी तो नीचे क्या आएगा बेस थ्योरम के हिसाब से आपको पता है नीचे क्या आता है पी पिंक और ऊपर क्या आता है पी बी टू इंटरसेक्शन पिंक ठीक है ना पी पिंक और नीचे पी बी टू इंटरसेक्शन पिंक चलिए अब नीचे क्या लिखेंगे नीचे गुलाबी बॉल निकालने के संबंधित सभी केस लिख दीजिए चलिए तो लिखते हैं नीचे गुलाबी बॉल निकालने के सभी संबंधित केस फस्ट फर्स्ट में लिखूँगा कि पहला बैग मैंने चुना पी बैग वन मल्टीप्लाई बाई बैग वन में से क्या निकाला पिंक बॉल निकाला फिर दूसरा केस लिखूँगा पी बैग टू मल्टीप्लाई बाई पी पिंक ऑब्लिक बैग टू यस yes. ऊपर देखिए क्या आएगा बैग टू इंटरसेक्शन पिंक तो बैग टू वाला केस कौन सा है ये वाला है तो इसी को ऊपर उठा के कॉपी कर दो तो पी बैग टू मल्टीप्लाई बाई पी पिंक अपॉन बैग टू बस अब वैल्यू रख दो कुछ भी नहीं है देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है और बस आप वैल्यू रखते जाइए कैसे रखेंगे वैल्यू बैग टू कितनी है वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई पिंग ऑब्लिक बैग टू थ्री अपॉन एट डिवाइड बाई वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई पिंक ऑब्लिक बैग वन कितनी है सेवन अपॉन इलेवन प्लस बैग टू की प्रॉबिलिटी वन बाई टू और पिंक बैक अपॉन एट बताइए अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे yes, बस तो ये है आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ठीक है yes, चलिए yes, आपके सैम्पल पेपर में एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ थोड़ा सा उसमें से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा देखिए कैसा क्वेश्चन दिया आपको सैंपल पेपर में सैंपल पेपर थ्री का क्वेश्चन नंबर एटीन आपको दिया गया है लिखिए पी ए ऑब्लिक बी का मान ज्ञात कीजिए यदि पी बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव और पी ए इंटर सेक्शन बी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री टू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना है क्या फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है जीरो पॉइंट थ्री टू और पी बी की वैल्यू दी गई है जीरो पॉइंट फाइव ज्यादा हो तो इसको सॉल्व कर लीजिए जीरो पॉइंट थ्री टू को लिखोगे थर्टी टू अपॉन हंड्रेड और जीरो पॉइंट फाइव को लिखोगे फाइव टेन ऊपर चला जाएगा डेसिमल को ब्रेक करके टेन ऊपर चला जाएगा दस से दस को काट दीजिए अब इससे दो को काटिए दो से सोलह बार बत्तीस और दो से पाँच बार दस आंसर सोलह बटे पच्चीस तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर sure मिलेगा श्योर फॉर एग्जाम एक ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको बोला गया कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और दिया गया है कि प्रायिकता ए की 0.3 और प्रायिकता बी की जीरो पॉइंट सिक्स तो, तो ज्ञात कीजिए पहला पी ए और बी का होना ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करोगे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी रूल जानते हो पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना के केस में होता है पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स आंसर आ जाएगा कितना जीरो पॉइंट वन एट पहली चीज दूसरा ज्ञात करने को आ गया पी ए यूनियन बी चलो ये निकालने को आ गया कैसे निकालोगे पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है तो सॉल्व कर दो जीरो पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट सिक्स माइनस इंटरसेक्शन बी निकाला है कितना जीरो पॉइंट वन एट तो जीरो पॉइंट नाइन ये दोनों जोड़ करके माइनस जीरो पॉइंट वन एट सो जीरो पॉइंट नाइन माइनस जीरो पॉइंट वन एट क्या करते हैं यहाँ जीरो लगा लो दस में से आठ गए दो ये बन गया आठ आठ में से एक गए सात और ये आ गया जीरो पॉइंट सेवन टू क्लियर है yes. चलिए लास्ट अगर आपको बोल दिया जाए P A बार इंटरसेक्शन B बार तो स्वतंत्र घटना के केस में कैसे निकालोगे P A बार इंटू पी बी बार पी ए बार इन पी बी बार आपको पता है ए का होना दिया गया है ए का होना कितना है जीरो पॉइंट थ्री तो यदि ए का होना जीरो पॉइंट थ्री है तो पी ए बार इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन और पी बी आपको दिया जीरो पॉइंट सिक्स तो पी बी बार इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेट इज इक्वल टू कितना जीरो पॉइंट फोर ठीक है तो अब आपको 0.7 और 0.4 का गुणा करना पड़ेगा तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 0.7 पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई जीरो तो आंसर कितना आ गया 0.28 बोलो क्लियर है तो अब यदि आप कहेंगे कि स्वतंत्र ना हो तो क्या करेंगे सर अगर स्वतंत्र घटना ना हुई तो स्वतंत्र ना होने पर पर क्या करोगे देखो P A बार इंटरसेक्शन B बार दैट इज इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हो ध्यान से सुनो इसको लिख सकते हो आपने पढ़ा है मैंने डिमॉर्गन लॉ पढ़ाया था इसको लिख सकते हो P A यूनियन B का बार फिजिक्स में भी पढ़ा है P A यूनियन B का बार और पी ए यूनियन बी का बार दैट इज इक्वल टू वन माइनस पी ए यूनियन बी तो ये कब लगेगा जब स्वतंत्र ना हो नोट कर लो ठीक है ना यस yes. तो पी ए यूनियन बी ये फॉर्मूला लगाइएगा ठीक डन तो बस अब इसके बाद इसकी वैल्यू रख दीजिए इसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ठीक ना फिलहाल फिल चलो देख लो इसको जरा वन माइनस पी ए यूनियन बी क्योंकि स्वतंत्र है तो अगर आप स्वतंत्र की बात बोलते हो तो स्वतंत्र के केस में यदि आप यहां पर वैल्यू रखोगे ए यूनियन बी की तो आपने ऊपर आपने ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल रखी देखिए कितनी निकाल रखी है 0.72 ठीक है ना यस yes. जीरो पॉइंट सेवन टू तो इसको माइनस कर दो तो इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपके पास में जीरो पॉइंट टू एट तो चाहे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और चाहे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो सेम आएगा ठीक है ना बट यदि स्वतंत्र ना होने पर आए तो फिर यही फार्मूला लगेगा दोनों बातों में मेरे डिफरेंस समझो अगर स्वतंत्र का आएगा तो आप फार्मूला लगाइए ये, ये वाला पी ए बार इंटू पी बी बार ये वाला फार्मूला लगाइए बट यदि स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं तो इससे ही आपका आंसर आएगा अगर आपने, अगर आपने परतंत्र घटनाओं में ये फार्मूला लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ये केवल स्वतंत्र के लिए ही लगेगा समझ में आया मेरी बात तो यहाँ पर आपका जो प्रॉबेबिलिटी का टॉपिक था एक छोटा सा टॉपिक था मैंने उसको समराइज वे में रिवाइज कर दिया है ठीक है ना बोलिए क्लियर है हाँ और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए और अदरवाइज इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं वो लगभग पूरे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे मेन आपका बेस थ्योरम होता है और बेस थ्योरम मैंने आपको समझा दिया है याद रखिएगा बेस थ्योरम कैसे करेंगे एक बार मैं और आपको बता देता हूँ बेस थ्योरम तो बेस थ्योरम में ये रहेगा कि भारत जीत जाएगी और अगर कह रखा है कि ऐसा कुछ होगा देखिएगा उल्टा चलेगा कि अगर भारत जीत चुकी है तो रोहित शर्मा की सेंचुरी लगने की क्या प्रायिकता होगी मतलब जो काम बाद में होना था वो पहले हो चुका अगर भारत जीत चुकी है तो रोहित शर्मा की सेंचुरी लगने की प्रयक्ता क्या होगी तो नीचे क्या लिखेंगे पी ए और यहाँ पी ई वन इंटरसेक्शन ए पी ई वन इंटरसेक्शन ए अब चलो नीचे कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे बनाओगे सबसे पहले ई वन उतरा मैदान पे और फिर P E1 पर A का जीतना फिर E2 उतरा मैदान पे फिर P E2 पे किसका जीतना A एक ना A का इस तरीके से P ई एन उतरा मैदान पे और P ई पे किसका जीतना A का जीतना और ऊपर ये जो केस एक कोई है उसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो तो पी ईवन इंटू पी ए अपॉन ईवन बस अगर आपको इतना याद रह गया, तो आप बेस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं बोलो बच्चों क्लियर है बस चलिए तो ठीक है इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट आपके मन में हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से